दुनिया भर में जारी वैक्सीनेशन अभियान के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन की ओर से चेतावनी दी गई है कि कोई भी वैक्सीन को मिक्स कर डोज ना लें, यह खतरनाक हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन के मुताबिक ये एक खतरनाक ट्रेंड है क्योंकि अभी तक इसको लेकर कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। साथ ही उन्होंने चेताया कि समय पर वैक्सीन की दोनों डोज लेना काफी जरूरी है। सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि यदि अलग अलग देशों में लोग अपने आप तय करेंगे कि दूसरी तीसरी डोज कब ली जाए, तब ये दिक्कत पैदा कर सकता है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भारत में ऐसे कई मामले सामने आए थे जब कुछ लोगों को वैक्सीन की दो अलग अलग डोज दी गई थी। हालांकि प्रशासन की चूक के कारण हुआ था, लेकिन पहली डोज किसी एक वैक्सीन की और दूसरी डोज किसी दूसरी वैक्सीन की देने से कुछ लोगों की तबीयत भी बिगड़ गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।